हौरा है, इसका एक हिस्सा है। बहन जी रहने दीजिए ना, क्या मत कहने के बाद मत करो, मैं कुछ सोच समझ करके कोई कैब ना करे। ये जो मीटिंग है ये देश भर में मेरा जो दौरा है इसका एक हिस्सा। देश में हर जगह हर राज्य में मैं 14 जुलाई तक मेरा दौरा करूंगा। देश भर में एक दिन का दौरा है, बंगाल में भी 2 दिन का दौरा है, मगर देश भर की मीटिंग और आज की ये मीटिंग में परिवर्तन, एक छोटा सा फर्क। देश भर में मीटिंग, मैं सोशल मीडिया पे अपने स्वयंसेवकों के साथ, हमारे साइबर योद्धाओं के साथ करता हूं। देश में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो तो है ही, मगर इसके साथ में कि मेरे बंगाल को फिर से विवेकानंद का बंगाल बनाना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बनाना, शरद बाबू का बंगाल बनाना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना, इससे और कभी इस प्रकार के शासन हम 21
शताब्दी में जी रहे हैं, लड़ाई लड़ने के तौर तरीके बदल गए। एक जमाने में तीर तलवार और तोपों से लड़ाइयां होती थी, आज बच्चों के मोबाइल से लड़ाइयां होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरा साइबर योद्धा, बम बंदूक का जवान अपने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप से लेकर उनके लोग और इसीलिए जब बंगाल की प्रवास से अमित भाई ने मुझे फोन करा कि अध्यक्ष जी यहां मीटिंग करनी है या नहीं करनी, मैं कहा देश में जहां पर भी डालनी है वहां डाल दो, बंगाल के साइबर योद्धाओं को मैं जरूर मिलेगा, पश्चिम बंगाल के योद्धाओं को। मित्रों, आज इसी कार्यक्रम के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं राजनीतिक स्थिति की बात करने से पहले आपके साथ हर हमारे काम के विस्तार की बात करना चाहता हूं। जब 2014 में देश में बदलाव का एक माहौल था और हम मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर कच्छ तक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के योद्धा चुनाव के मैदान में, और उस वक्त जितने भी चुनाव एनालिसिस उपलब्ध है, जितने भी राजनीतिक पंडितों के चुनाव के लिए आकलन उपलब्ध है, विश्लेषण उपलब्ध है, वो सभी का एक कॉमन विश्लेषण था कि 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। मित्रों, 2019 का चुनाव आने की तैयारी, मीडिया के कुछ ग्रुप्स का रुख हमें मालूम, किस प्रकार से मीडिया का ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहे, हम वो स्पर्धा में नहीं जा सकते, हम जाना भी नहीं चाहते। हमारी बात जितनी वो लेकर जाएंगे, छापेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, नहीं छापेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास इतनी बड़ी फौज है जो मेरी बात को बंगाल से करना। अगर अपनी बात को सटीक तरीके से, रोचक तरीके से नीचे तक पहुंचानी है तो अभी हमारा सोशल मीडिया का जो स्वरूप है वो नहीं चल सकता। मैंने देखा अभी सरसरी नजर डाली, 12 लाख का फेसबुक पोस्ट का आपका लाइक है, 34,000 है ना, कितना है अभी ट्विटर का, 36,000 है, 37,000 है, ये परिवर्तन की निशानी है। अगर हमें परिवर्तन करना है तो हर गांव में, हर बूथ के अंदर एक हमारा सांसद, एक हमारा कार्यकर्ता, एक हमारा साइबर योद्धा हमारे संदेश को गांव में पहुंचाने का दमखम रखता हो, तभी हम परिवर्तन कर सकते। और अगर ये करना है तो हमारे सोशल मीडिया के काम को फेरना पड़ेगा, उसको नीचे तक इसका पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, गहरी पेड़ बनानी पड़ेगी, इसकी नींव को और गहरी बनानी पड़ेगी, तभी जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते। और अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, बंगाल के मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, जनमत को हमारे साथ करना है, पश्चिम बंगाल और देश की जनता को हमारे साथ करना है, तो इस सोशल मीडिया से बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता, मगर वो तभी हो सकता है जब हमारी ताकत होगी। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भैया, आग ताकतवर होती है या हवा ताकतवर होती है? कोई आग वाले हैं? आग वाले भी है ना, ऊपर में बताओ, आग बड़ी होती है या हवा बड़ी होती है? ज्यादातर लोग हवा के। अब मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूं, एक दीपक जल रहा होता है, बाती लगी होती है, बाती में आग,
तभी जाकर दीपक अंधकार का दूर करता है, अंधकार को दूर करता है। उस पर फूंक लगाओगे तो क्या होगा, बाकी घुस जाएगी, घुस जाएगी ना। इसलिए आप कह रहे हो कि हवा ताकतवर होती है, ठीक है। एक चौपड़ पट्टी है, झुकी झोपड़ी है, ढेर सारी झोपड़ियां साथ में लगी है, वहां पर एक झोपड़ी में आग लग जाए और तेज हवा आ जाए तो आप फैलेगी या बुझ जाए, तो ताकतवर कौन है? कौन है बिल्कुल? ना आग ताकतवर है, ना हवा ताकतवर है, जिसमें दम हम फैले।